ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दूध औटी पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि शाहिर अनवर अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक लोहिया स्वच्छ बिहार सरकार के तहत रखी गई थी। बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है और विभिन्न योजनाओं व ग्रामीण क्षेत्र में करने के लिए पारित किया गया है। मुखिया प्रतिनिधि शाहिद अनवर उर्फ टोरी ने बताया कि ग्राम सभा बैठक इसलिए किया जाता है ताकि पंचायत क्षेत्र में बेहतर विकास हो और विकास के लिए बेहतर योजनाओं का सभी के सहमति से पारित किया जाए। इसलिए सरकार के आदेश के अनुसार ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। इसी दौरान सभी सफाई कर्मियों ने अपने दुख दर्द बयां करते हुए बताया कि विगत 6 महीने से हम लोगों को साफ सफाई का वेतन नहीं मिला। लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत विगत 1 साल से कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन वेतन नहीं मिलने से हम लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं हम लोगों के वेतन को जल्द से जल्द दिया जाए ताकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र लोहिया स्वास्थ्य का संपूर्ण रूप से कार्य कर सकें। विगोदी पंचायत में जितने भी स्वच्छता कर्मी जो है सही मतलब जो है मन दिल लगा के जो है काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर 7-8 बजे दिन तक डेली कचरा का उठाव हो रहा है और PW में लाके जो है करते हैं। लेकिन हमारा कर्मी का यही एक ठोकल ये है कि समय पर जो है मतलब जो है वेतन नहीं मिल रहा है। लगभग 6-7-11 महीना से कर्मी को वेतन नहीं मिला ठीक है। अभी मतलब नहीं लेकिन देना दिए हैं ब्लॉक में दिए हैं और ऊपर से आदेश आया है कि इस बार जो है होने का चांस है। देखते हैं क्या मांग है आपका। वही मांग यही है कि समय पर हम लोगों को जो है महीना महीना जो है वेतन दिया जाए। क्या नाम है जी। वासुदेव लाल गणेश। 23 के अंतर्गत दुदोटी पंचायत में लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार के तहत जो है ग्राम सभा रखा गया है। इस लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत जो है हर वार्डो में जो है सफाई कर्मचारी बहाली किया गया है और एक एक वार्ड में दो दो बहाली किया गया है। हर वार्ड में जो है एक हिस्सा पैडल रिक्शा दिया गया है और पूरे पंचायत के लिए जो है एक ई रिक्शा दिया गया है। और आपका कचरा के लिए कचरा प्रबंधन के लिए जो है WPO का निर्माण किया गया है जहाँ पे कचरा पहुँच के जो है कचरे का छटाई होता है उसके बाद जो है कचरे का उपयोग कराया जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये ग्राम सभा था इसमें जो है घर घर में स्वच्छता भी बनाया गया है। सफाई कर्मचारी जो है अपनी काम जो है बड़ी जिम्मेदारी से अपने अपने वार्डों में कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से कचरा मिल रहा है उन लोग को कचरा उठा रहे हैं। हर वार्ड में जो है मेरे पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड में टोटल हर वार्ड में दो दो करके 28 सफाई कर्मचारी WPO के लिए दो और एक सफाई पर्यवेक्षक का बहाली किया गया है। दिक्कत वाली बात यह है कि ये लोग जो है लगातार 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। लगभग 2 या 4 महीने का जो है पहली बात तो काम को नज़रअंदाज करते हुए काम को कैसे और बेहतर किया जाए उसका फैसला लिया गया है। किन किन वार्डों में क्या क्या काम बाकी रह गया है सफाई के बारे में वो लिया गया है। और कर्मियों का शिकायत ये था कि हमें जो है टाइम पे सैलरी नहीं मिलता है। गरीब लोग हैं सफाई कर्मी हैं उनको अगर सही टाइम में तनख्वाह नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगी कैसे ऐसे काम नहीं होगा। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है SLW स्वच्छ भारत आंदोलन बिहार इसके तहत जो है ये बहुत बड़ी अच्छी कदम है सरकार की। इस पर जो है थोड़ा गौर किया जाए। ये बात है देखिए नीतीश कुमार एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं उनके राज्य में जो है पूरी बिहार की तरक्की हुआ है उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप 2 लाख काम 4 लाख का काम को अगर टेंडर में कराइएगा कोई भी बाहरी बाहर वाला टेंडर नहीं ले पाएगा। कोई बड़ा टेंडर वाला ले नहीं पाएगा। छोटा छोटा काम टेंडर लेगा उसमें जो क्या है कि जहाँ तक जो है गली नली की बात है छोटा छोटा काम है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाएगी। ये लेंदी हो जाएगा। लेंदी होने से काम क्या होगा स्लो हो जाएगा। और पंचायत में काम अगर स्लो हो गया तो आने वाले सालों में बहुत दिक्कत आएगी। जैसे हम लोग जैसे बने हैं 2020 के बाद आप देखिए कि काम का रेशियो बहुत कम हुआ है। रुपया बराबर आया है लेकिन काम का रेशियो जो काम का ग्रोथ है वो बहुत कम हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार जो है बार बार काम को लेंदी कर रहा है। लेंदी करने से क्या होता है काम स्लो हो जाता है। अब जो है मेरे पंचायत में
दुधौटी पंचायत में पिछला 5 साल में 7 निश्चय के तहत जो है PCC ढलाई हुआ था, बहुत रोड। अभी मेरा हर वार्ड में मोटा मोटी 2-3 रोड ऐसा है जिस जो ऊबर खबर है, लेकिन ये पैसा का अभाव की वजह से हम रोड सही नहीं करा पा रहे हैं। रिपेयरिंग फंड में पैसा नहीं है और साफ काम को लेंदी कर रहा है सरकार। इस हिसाब से तो पंचायती राज खत्म हो जाएगा। जो एक ग्राम सभा को जो एक शक्ति दिया गया है कि ग्राम सभा में आप लोगों को जोर की लोगों से ग्राम सभा करके आप पंचायत का समस्या लेके काम कर सकते थे, इस तरह से जो बाउंड्रीज आ रहा है सरकार की तरफ से, इसमें काम में बहुत लेंदी आ जाएगा और पंचायत का तरक्की अगर रुक जाएगा तो देश का तरक्की रुक जाएगा।